नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आपको बता दें, एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम या अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialive.com। आपको क्या सर्च करना है, तो आपको सर्च करना है educationindialive.com। गूगल में यह सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट देखने को मिल रही है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आप देख पाएंगे एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आप देख पाएंगे एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2023 डायरेक्ट लिंक। यहाँ पर हमने सारे रीजन दे दिए हैं और इसके साथ ही आपको यहाँ पर सामने लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने रीजन के सामने लिखे हुए क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालने हैं, उसके बाद दोस्तों यहां से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और आपको बता दें, अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी याद नहीं है तो आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये सम करेंगे। सम करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहां पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको रोल नंबर पर क्लिक करना है। रोल नंबर पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा सामान्य अनुदेश का। उसके बाद दोस्तों आप सबसे नीचे की ओर आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर आप टिक करेंगे और डाउनलोड ई एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड ई एडमिट कार्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये थी पूरी जानकारी एसएससी जीडी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।